चले 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 रन फॉर यूनिटी वास्तव में सरदार पटेल को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। विश्व के मंच पर सरदार पटेल जैसे अपराजेय योद्धा को भारत के इतिहासकारों ने दफना दिया था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बैरिस्टर सरदार पटेल, भूतपूर्व प्रधानमंत्री सरदार पटेल और 565 रियासतों को एक में करने वाले सरदार पटेल के प्रति श्रद्धा नत होने के लिए विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा उनको रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम इसीलिए वहाँ यूनिटी स्टैचू ऑफ यूनिटी वहाँ बनाई जा रही है, आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा सरदार पटेल की होगी। अभी तक तो 135 मीटर की प्रतिमा का रिकॉर्ड था, वह 182 मीटर प्रतिमा आज प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे। हमें संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं, सरदार पटेल के साथ अन्याय हुआ, अब इस समय में सरदार पटेल अगर होते तो हमारा अखंड भारत पूरा रहता, बर्मा और पाकिस्तान एक में रहता। सरदार पटेल के साथ इतिहासकारों ने, साहित्यकारों ने हमेशा अन्याय किया है। सरदार पटेल हमारे लौह पुरुष हैं, सरदार पटेल हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और राष्ट्रवाद के, स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े प्रणेता, अखंड भारत के सबसे बड़े प्रणेता अगर कोई है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। पार्टी की तरफ से रन फॉर यूनिटी के माध्यम से हम पूरे देश को एक सिंबल दे रहे हैं कि देश के सवाल पर, विकास के सवाल पर, देश को आगे के सवाल बढ़ाने सवाल पर, रक्षा के सवाल पर हम सभी लोग एक हैं। और जहां देश का सवाल आएगा, समाज का सवाल आएगा, वहां सब कुछ भूल करके हम अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज ये रन फॉर यूनिटी के माध्यम से जो एकता ही बल है, जो लोकतंत्र की ताकत है, हम सब लोग मिल करके और आगे बढ़ने के लिए सरदार पटेल जी के जयंती के अवसर पर एक संदेश पूरे देश को दे रहे हैं।